हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सुंदर से दिखने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये मिठाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। मैंने यहाँ पे मार्केट का पनीर लिया है, आप चाहें तो घर का पनीर भी यूज कर सकते हैं। हम पनीर के इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे और एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमें इस तरीके का इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और अब हम एक पैन लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है, उसमें एक चम्मच घी डालेंगे, घी ऑप्शनल है। और अब हम इसमें जो हमने पनीर को ग्राइंड करा था वो डाल देंगे, पनीर का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन ना हो तो आप स्टील की हैवी बॉटम कढ़ाई भी ले सकते हैं और इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और ये नीचे नहीं लगना चाहिए, फ्लेम हाई करेंगे तो पनीर नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। और 2 से 3 मिनट में हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। तो मैंने 4 टेबलस्पून शुगर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही चीनी पिघल जाएगी, 1 से 2 मिनट लगेंगे चीनी को पिघलने में, चीनी पिघल जाएगी तो ये इस तरीके का स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम इसमें 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है, इसे हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये मिक्सचर अच्छे से पक ना जाए और जो हमारा मिक्सचर है वो पैन को छोड़ ना दे, ये एक डो का फॉर्म ले लेगा। तो हमें इसे उतनी देर के लिए पकाना है। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी है। यहाँ पे अब हम इसमें फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे रोज एसेंस लिया है। तो मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून रोज एसेंस डाल रही हूँ। आप चाहे तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, और ना पसंद हो आपको रोज तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें फूड कलर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप्स रेड लिक्विड फूड कलर का यूज किया है, क्योंकि मुझे इस मिठाई को लाइट पिंक कलर देना है। अगर आपके पास कलर ना हो तो आप इसके अंदर केसर वाला दूध भी डाल सकते हैं, जिसमें कि इसमें येलो कलर आ जाएगा। अदरवाइज आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर की ये मिठाई बना सकते हैं, वो कलर यूज करके। बस इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे और बस ये मिक्सचर हमारा बन के तैयार है। फ्लेम मैंने बंद कर दी है, बट पैन गर्म है इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए और चलाऊंगी। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। तो हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जितनी देर में ये ठंडा होगा उतनी देर में हम इसके लिए एक फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर जार में थोड़े से बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश ली है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट किशमिश जरूर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग है वो किशमिश से आएगी। तो इस तरीके से इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। अगर आप किशमिश ना डालना चाहें तो आप इसमें डेट्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट वाले डेट्स हो तो आप ऐसे ही मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। अगर दूसरे वाले डेट्स हैं तो आप उनको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख सकते हैं और फिर आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे और सारी ही मिक्सचर की हम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे, जितनी भी बॉल्स बनती हैं। बॉल्स बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा मिक्सचर हम इस तरीके से हाथ में लेंगे, उसे प्रेस करेंगे और जब वो अच्छे से बाइंड हो जाए तो उसको राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार करके रख ली है। अब हम जो हमने मिठाई का मिक्सचर बनाया था वो लेंगे और उसमें से छोटी लोई, जितनी की हम पूड़ी बनाने के लिए लेते हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा हम लेंगे और इस तरीके से हाथ पे उसे चपटा कर लेंगे। और फिर हम जो हमने बॉल्स बना के रखी थी ड्राई फ्रूट्स की वो इसमें रख देंगे और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। तो इसको अच्छे से दबाते हुए हाथ से बंद करेंगे और इस तरीके से हम अपने हाथों से प्रेस करेंगे जिससे कि ये ओपन ना हो। और बस फिर हम इसे राउंड राउंड जैसे लड्डू बनाते हैं इस तरीके से घुमा के इसके हम लड्डू बना देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे और सारे लड्डू हम तैयार कर लेंगे। अब आप चाहें तो इनको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं लड्डू की शेप में, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने दिया था। पहले हम सारे लड्डू बना लेते हैं और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। ऐसे ही सर्व करने हैं तो आप इसे ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने क्या किया था, इनको इस तरीके से सेंटर से कट कर दिया,
तो जब देखेंगे आप, जब इसे कट करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है, क्योंकि ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आप येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, आपको जो कलर पसंद हो। तो इस तरीके से हमारी कलरफुल सी मिठाई बन के तैयार हो गई है, खाने में भी टेस्टी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से देखते रहिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।